माता रानी का श्रृंगार लिया है। सुबह सुबह की जो तीखी धूप है ये बड़ी खतरनाक है, मतलब टाइम यही था कि इसके बाद जोत कर लेना। तो भाई इधर मंदिर में भी हमारी जोत हो चुकी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो सबको मेरी और मेरी फैमिली की ओर से हैप्पी नवरात्रि। माता रानी जो है सबकी लाइफ में खुशियां लेके आए। तो आज फर्स्ट नवरात्रि हैं और आज अभी मैंने पूजा की हुई है, बस नहा धो के रेडी हुई हूँ, सामान लेने जाना है क्योंकि हमारे घर में आज किसी का नामकरण होना था वहाँ गाँव में, वो हो चुका है। अब हम लोग अब से शुरू करेंगे, मतलब जो भी सारा प्रोसेस होता है, जो भी पाठ पूजा और माता रानी का जो स्थापना करनी है वो सारी चीजें। पहले मैं मार्केट जाती हूँ, सामान लेके आती हूँ। मैं और रजनीश जी रेडी हो गए हैं, तो सामान लेके आके फिर मंदिर की सजावट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसके बाद फिर जो भी है आपको दिखाएंगे। तो भाई यहाँ चल रही है आज नवरात्रि की शॉपिंग और शॉपिंग कर रहे हैं माता के श्रृंगार की। ये माता रानी का श्रृंगार लिया है और मूर्ति दिखा दो, कोई और भी है अच्छी। और अब हमारे घर में मेहमान ज्यादा है तो हम खटोला भी ले सकते हैं। मूंगफली, ये माता की मूर्ति है, नहीं छोटी लेनी है, बड़ी नहीं, छोटी छोटी नहीं। तो अभी रीत की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि काफी सामान ले रही है। सुबह सुबह की जो तीखी धूप है ये बड़ी खतरनाक है। सो गाइस सामान ले लिया है, पीछे आप देख सकते हो माता रानी का सारा A to Z। और अब घर जाते हैं, घर जाके जोत करेंगे, माता का दरबार बनाएंगे, पूजा पाजा करके फिर उसके बाद सलोन आएंगे क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। तो अभी थोड़ा सा सामान रह गया, थोड़ा सा रह गया सामान, वो भी ले लेते हैं फिर चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सुबह बारिश का मौसम ज्यादा था, बारिश ज्यादा होने की वजह से थोड़ी रुकावट के लिए खेत हो गई। रुकावट के लिए खेत मैंने बता रखी है कि हमारे घर में एक बच्ची का जन्म हुआ था, आज पहले उसका नामकरण होना था, उसके बाद में जोत होनी थी जब सूतक निकल जाता। अब सूतक शायद निकल गया होगा, अभी घर पे फोन करते हैं, अभी किया नहीं है, नहीं निकल, मतलब टाइम यही था कि इसके बाद जोत कर लेना। नमस्कार, मेरा नाम महेश यादव, मेरा बेटा। तो इधर जो है आरती हो चुकी है माता जी की, हमारी प्रथम नवरात्रि की माता शैलपुत्री जी की आरती हो चुकी है और ज्योत, अखंड ज्योत जो है जगा दी गई है माता रानी के दरबार में। तो बस माता रानी अब जो है माता रानी ऐसे ही बनाए रखे, हर साल ऐसे ही उनकी धूमधाम से जो है उनका स्वागत हो। तो सभी ने आरती वगैरह भी ले ली है। तो अभी माता रानी किस किसने व्रत रखा है ये बता दो। तो हमारी रीत भाभी ने रखा है और रीत भाभी ने रखा है बस, मैंने रखा और रीत भाभी ने रखा नहीं रखा कोमल और रीत भाभी ने रखा। और उधर तो परांठा खा चुके हैं, कुछ कहना चाहोगे नवरात्रि पे? आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस टीका क्यों नहीं किया आपने? मैंने कलावा बांधा है तो मैं थोड़ा टीका भी ले लो, अभी माता रानी डेकोरेशन में था तो हाँ मैं भी भूल गई, वैसे कलावा अपन ने बांध लिया था। मैं माता रानी के आशीर्वाद से है टीका कर लो, किसी ने भी नहीं किया, बच्चों आ जाओ टीका करो, मेरा नेल तो है, मेरे से तो होता नहीं। जय हो माता रानी, माता रानी के चरणों में जय। लम्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अच्छा उसके मुंह पे आ गया कैमरा, मेरे पे आना चाहिए था। जय, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टीका जितना भी इधर उधर होता है उतना अच्छा होता है। आप रह गए, आप कोमल ने लगा दिया। तो भाई इधर मंदिर में भी हमारी जोत हो चुकी है और मंदिर जो हमने पेंट पूंट कर दिया था, आज फिर मैं डेकोरेशन करूंगी पूरी क्योंकि श्राद्धों में कुछ ही नहीं किया अभी। तो गाइस माता रानी का दरबार बिल्कुल सज चुका है, अभी हम आरती करेंगे, जोत होगी है, सब जने खड़े हैं आरती के लिए। एक्चुअली हमें आती, मेरे को भी नहीं आती है, प्रॉपर नहीं आती है, फिर हम चाहते हैं कि भूल चूक ना हो, रजनीश एक बार टीवी पे आरती लगाएंगे और फिर हम आरती करेंगे। वैसे अनुज भैया को आती होगी आरती तो, है ना भैया? हाँ, मुझे आती है। तो पर आप फिर कर लेते हैं, आ जाओ चलो। सो गाइज पूजा पाठ करके और हम लोग निकल गए अभी सलोन के लिए, अब वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ भी कर, अनुज भैया वहाँ भी तो करनी पड़ेगी पूजा। हाँ वहाँ तो वो तो ऑफिशियल में तो करती है, ऑफिशियल ऑफिस में तो मतलब एक तरीके से वैसे करती है जो हम डेली करते हैं, बट घर का
तो जाके वहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मंदिर मंदिर में क्या कुछ रख रखा है, अदरवाइज कर लेंगे एक बार और फिर मिलते हैं। और एक चीज़, शख्स कोई जिससे जिसको हमने दिखाया नहीं है, दिखा दिया पर बताया नहीं है व्लॉग में, तो भाई हमारी कोमल आई है। मैंने कोमल को बुलाया क्योंकि मैं हो चुकी इधर इधर कोमल। गाइज ये देख लो, ये अब बातों के चक्कर में लिफ्ट का कोई प्रेस नहीं है, जहाँ किसी ने ऊपर बुलाई वहीं पहुंच गई, चौथे फ्लोर पे पहुंच गए हम। अनुज भैया आपकी कुछ दिन के लिए घर में एंट्री बंद है, जितने नवरात्रे रहेंगे कोमल मेरे पास है, आप सलून में, आप सलून में सो जाए करो। हाँ वैसे तो सो सकते भाई, हम तो फकीर सेकंड फ्लोर है, सेकंड आ जाओ वापिस। सो गाइस सैलून में इतना काम चल रहा है ना, मैं भी आपको बाहर दिखाती हूँ, बच्चे सारे बिजी हो रखे हैं और ईवा का फास्ट है, तो ये आंटी ईवा के लिए देख लो फ्रूट डाल के दे रही है कि उसको खिला दे, तो अब मैं ईवा को है सुबह की भूखी है, सही बात है, तो उसको फ्रूट्स खिला देती हूँ, खुद जाके खिलाती हूँ थोड़ा सा, और उसको भी वो एक कांटे वाली चम्मच दे दो, कांटे वाली। सो गाइस ये देखो मेरी प्यारी सी गुड़िया आप लोगों के सामने, वैसे सब लोग इससे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं ऑलरेडी, अपना नाम बता दो। प्रीशा शर्मा, चैनल का नेम ये हर बार बोलती थी मैं प्रीशा शर्मा, चैनल का नेम भी यही है, तो ये गुड़िया क्या आदित्य प्रीशा व्लॉग, आदित्य प्रीशा व्लॉग आई बात समझ में, आदित्य प्रीशा व्लॉग। हाँ तो ये हमारी ऐसी क्यूट सी क्लाइंट है ना, जब भी आती है मेरे को लगता है मेरी काश ऐसी सी एक बच्ची हो, इतनी क्यूट हो, ऐसे ही दिखती हो, बहुत क्यूट है ये लड़की, और ये आके वहीं बैठ जाती है मेरे पास ही बैठती है, जैसे मैं उधर बैठी हुई थी ये उधर आके बैठ गई, लग रही है ना मेरे, क्या कहते हो क्या कहते हो, खेल रही है अभी वो है, एक इसको ले लो एक अपने लेकर लिख दो है ना, मैं छोटी होती थी तब ऐसे थी, तब ऐसे दिखती थी। प्रीशा को सब जानते हैं ना, प्रीशा जानते हैं ना सारे ऑब्वियसली, वो इतना अच्छा डांस करती है ना, प्रीशा बहुत अच्छा डांस करती है, तो चलो अब थोड़ी देर में ना प्रीशा से डांस भी करवाते हैं। सुनो हां जी, एक सेकंड जल्दी आओ, मैं चीज दिखानी है आपको, एक सेकंड आपका फास्ट है। हाँ। और ये देखो इधर शर्म तो आती नहीं होगी, शर्म थोड़ी बहुत है, देख लो मैं अपने लिए थोड़ी घूमने में आया है, मैं सोच ही रहे बंदा है कि मैं सुबह से आज भी है, एक सेकंड में बैठी हूँ ना, हाँ मुझे पता है, और बंदा सोच ही ले सुबह से, और इधर समोसा पार्टी, मेरे को तो पता ही नहीं था सब मिले वो, नहीं मेरे को पता, अच्छा मैं क्यों बुला के लाता आपको, मैंने कहा मैं बुला के ला, कह रहे तू ये गाली खानी है, ये खाने है गाली खानी है, मैंने कहा नहीं। तो भैया मैं आपको बता दूं कि मेरी बेस्ट जो है कोमल फ्रेंड आई है मेरे से मिलने के लिए, तो गाइस मिलने भी आई है, और मैंने इसको बुलाया था क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है, तो मुझे कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन मुझे चाहिए था, अभी दो चार दिन जो मेरे साथ रह के हमारी जो ऐप है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इससे काम मेरे को था कि कुछ पूछना है, क्योंकि इसको नॉलेज बहुत है, ये जितनी दिखती है ना उतनी है नहीं, दैट्स व्हाई मैंने बुलाया कोमल को, ये लगे हुए हैं अपने, और ये क्लाइंट को सजेस्ट कर रही थी, तो भैया प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, बहुत जल्दी जो है पार्लर वाली ऐप जो है लाइव होने वाली है। तो भैया आज जो है भाभी खुद ही लगे हुए हैं नेल्स करने में, कितने की दिहाड़ी हो गई आज, 1500 की, 1500 रुपए कमा लिया आपने, तो किया मतलब एक नेल करके मेरे 1500 बस फाइनल चल रहा है मैम का। सो गाइस 9:15 हो चुके हैं, और ये देख लो इंसान सब ऐसे घूम रहे हैं, देखो बस अब हम ही रह गए हैं, हम ही रह गए हैं। तो गाइस आज थक चुकी हूँ, अभी मैं जाके फिर मैं कुछ खाती हूँ फास्ट वाला, क्योंकि 9 दिन तक कुछ नहीं खाना, और फिर अभी चले बिग बॉस आ रहा है देखना, मैं मारूंगी सा, मेरे को खाने की बड़ी है, इनको बिग बॉस की बड़ी है, कौन आ रहा है तुम्हारा रिश्तेदार आ रहा है बिग बॉस में, बिग बॉस देखना देखना जरूरी है, मैं हर बार ही देखता हूँ। अच्छा चलो फिर, अब बिग बॉस की एंट्री हो चुकी है, गेट खुल चुका है, ये पहले पहले सदस्य है घर में आ चुके हैं, दूसरा सदस्य एंट्री भी हो चुकी है इसकी, बड़े बिग बॉस में इसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री, वाइल्ड कार्ड। तो गाइस स्पेशल बुलाया मैंने
कोमल को कि मिल जाके, अदरवाइज ये मिला था नहीं तो इसको जाके, तो इसको नहीं जाने देना। हमने सोचा यही आके हमसे मिल गया, ज्यादा बड़ा हुआ है इसलिए हम इसको कहीं नहीं जाने देंगे। सो गाइस घर पहुंच गए और आते ही घर पे माता रानी के आप भी दर्शन कर लो, हमने तो कर लिया और ज्योत तो अखंड ज्योत लगाई रखी थी, बस मैंने सिर्फ माथा ही टेका क्योंकि माता रानी को पता है कि जब बिजी लोग होते हैं तो है ना भैया चल जाता है ना थोड़ा सा, तो इतना तो कि आरती वगैरह शाम के टाइम नहीं कर पाए, अब लेट हो गए तो अभी माता रानी अपना वो भी माता रानी के बोलते हैं कि कर्म पूजा है तो पहले वो भी जरूरी है माता रानी को, तो कौन ही तो बस थोड़ा सा पक्ष दे माता रानी, बाकी ये तो हमारी श्रद्धा है, बाकी दिन रात माता जी क्या है। सही बात है, हाँ ये तो है। अभी गाइस आज से शुरू होने वाला है बिग बॉस और इधर फुल तैयारियां चल रही, होने नहीं वाला वो हो चुका है, हम लेट हैं तो सारे बैठे हैं आज कि बिग बॉस लो चलो, तो फिर मैं अभी अपने बच्चों से भी मिल लेती हूँ। आ गया जियो सिनेमा, बिग बॉस देखते हैं गाइस, फिर बताते हैं आपको रिव्यू कौन कौन कैसे कैसे कब कब कहाँ कहाँ से आया है। क्या बिग लॉस क्यों, अरे कॉमेडी आया था इसका बनाया, बिग लॉस बिग बॉस का कॉमेडी बनाया था किसी ने, बिग लॉस हम भी बनाएंगे। ठीक है गाइस, शाम की ज्योत की थी नक्कू ने उधर मंदिर वाली। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? तो भाई नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, आज दूसरा नवरात्र है, मैंने यहाँ की और पूजा कर दी है मैंने नहा धो के, तो आप भी माता रानी के दर्शन कर लो। जय हो।